नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार राय। अभी हम मौजूद हैं दियारा क्षेत्र और दियारा क्षेत्र के उस सड़क पर मौजूद हैं जो सड़क 5 पंचायत को जोड़ती है, या वही सड़क है जिस सड़क के लिए लगातार इस क्षेत्र के दादोपुर पंचायत भाग संख्या 2 के पंचायत समिति व इस क्षेत्र के तमाम जागरूक युवा गार्जियन वरिष्ठ गार्जियन लगातार इस सड़क के लिए संघर्ष करते रहे। और इस सड़क के संघर्ष करने के बाद सन 2020 यानी 2020 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव की तिथि तय हुई और नॉमिनेशन की तिथि तय हुई तो उससे पूर्व 22/8/2020 को इस सड़क का शिलान्यास कर कार्य प्रारंभ करवाया गया। इस सड़क का शिलान्यास कर 22/8/2020 को कार्य प्रारंभ करवाया गया और बीटी न्यूज के माध्यम से इस सड़क की चर्चा हम लगातार आपको अवगत कराते रहे। इस सड़क की दुर्दशा इतनी भयावह खराब थी कि रोजाना कई सड़क दुर्घटनाएं होती थी और दियारा क्षेत्र आप जानते हैं कि हर एक साल बाढ़ जैसी आपदाओं से दियारा क्षेत्र को गुजरना पड़ता है और लोगों को आने जाने में इस सड़क में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जब 22/8/2020 को इस सड़क का शिलान्यास हुआ और सड़क की कार्य की प्रारंभ हुआ तो बीटी न्यूज के माध्यम से भी दिखाया गया था आपको। और इस सड़क का जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे थे, चुनाव की तिथि नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे इस सड़क की का जो कार्य की रफ्तार थी वह काफी तेजी से बढ़ रही थी। जहां जहां गड्ढे थे आप देख सकते हैं कि मिट्टी धूल एवं कई तमाम चीजों से भरकर गड्ढे को भर दिया गया। लेकिन फिर अब धीरे धीरे क्योंकि मिट्टी है, मिट्टी जब गाड़ी लगातार आती जाती रहेगी तो लोगों को परेशानियां होगी और गड्ढे फिर से होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो फिर चुनाव समापन हो गया, 10 तारीख को बिहार विधानसभा क्षेत्र का बिहार विधानसभा का रिजल्ट आया, 16 तारीख को हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ली और फिर 17वीं विधानसभा सदस्यों ने तमाम सदस्यों ने शपथ ली। लेकिन यह जो कार्य है ड्रीम ऑर्थोकॉन प्राइवेट लिमिटेड को करना है और 22/8 को यह कार्य प्रारंभ हो गया था तो फिर क्यों चुनाव तक ही, चुनाव से पहले तो कार्य की रफ्तार तेजी से जाती है लेकिन जब चुनाव समाप्त हो जाता है तो कार्य नहीं हो पाता है, ऐसा क्यों? बीते चार दिन पूर्व इसी क्षेत्र के लगातार संघर्ष कर रहे युवा पंचायत समिति सदस्य ओम प्रकाश ने एक अपील जारी की कि हम अपने क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक से अपील करते हैं कि इस क्षेत्र के जो यह सड़क है इसके कार्य की मरम्मति पर ध्यान दिया जाए। तो आज हम इस क्षेत्र के दादोपुर भाग संख्या 2 के जो पंचायत समिति हैं ओम प्रकाश जी से भी बात करेंगे और ओम प्रकाश जी से जानेंगे कि जब चुनाव के पूर्व लगातार आप लोगों ने संघर्ष भी किया और यह भी तय किया कि रोड नहीं तो वोट नहीं, तमाम बातों को लेकर इस लगातार पर इस सड़क पर आप लगातार संघर्ष करते रहे। फिर आपने चुनाव समापन हुआ तो पोस्ट अपील भी जारी की। तो हम आज इस क्षेत्र के पंचायत समिति दादोपुर भाग संख्या 2 के पंचायत समिति ओम प्रकाश जी से बात करेंगे और इस सड़क के बारे में जानेंगे और उनसे कई बातों पर चर्चा होगी। तो हमारे साथ मौजूद होंगे इस क्षेत्र के दादोपुर भाग संख्या 2 के पंचायत समिति ओम प्रकाश जी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दादोपुर पंचायत के पंचायत समिति ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, आपका बीटी न्यूज बिहार स्वागत करता है। जी जी, धन्यवाद। ओम प्रकाश जी, आज से 4 दिन पूर्व, मैं आपका फेसबुक फ्रेंड भी हूँ जी जी, और आज से 4 दिन पूर्व आपने एक पोस्ट जारी किया था कि इस क्षेत्र के नव निर्वाचित विधायक सुरेंद्र मेहता जी से आपने अपील की थी कि गंगा सागर चौक से 5 पंचायत को जोड़ने वाली सड़क के प्रति ध्यान दिया जाए। जी जी, जी। और मैं आपको बता देना चाहूँगा कि चुनाव से पहले उस सड़क का कार्य निर्माण 120 की रफ्तार से थी और ड्रीम ऑर्थोकॉन प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से काम किया जा रहा था। तो क्या चुनाव समापन के बाद उस पर काम नहीं हो रहा है क्या? नहीं, काम सर शुरू कहाँ हुआ, वो तो छठ पर्व के दिन थोड़ा बहुत बालू वहाँ दे दिया गया बर्फी लोगों के लिए, बालू देने से तो और सड़क की दुर्दशा हो गई।
धूल उड़ते रहता है आँख में, नाक में, मुंह में, गाड़ी में, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। हमने तो सुरेंद्र मेहता साहब से लिखा है, आप जल्द से जल्द अपना बहुमूल्य समय दे के उस कंपनी वालों से जल्द रोड बनवाने की कृपा करें। लेकिन फेसबुक में उनके फ्रेंड टैगिंग में वो थे, लेकिन उनका तो कोई जवाब आया नहीं है, लेकिन हम लोगों को भरोसा है कि वो जल्द से जल्द करवाएंगे। 2010 से लेकर अभी तक इस सड़क पर दो बार, एक बार हमारे 2010 में विधायक रहे अवधेश राय जी की भी ध्यान में था वो सड़क, रामदेव राय जी जब विधायक रहे 2015 में उनके ध्यान में भी सड़क, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आया तो 22/8/2020 के पूर्व सड़क का शिलान्यास कर कार्य 22/8/2020 को प्रारंभ किया गया। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना? उन लोगों का विकास से कोई एजेंडा उन लोगों का था ही नहीं, ऐसे ही जातिवाद में वोट मिल ही जाता था, इसलिए उन लोगों को काम के प्रति कोई रुचि उनकी अपनी थी नहीं, इसीलिए तो जनादेश सुरेंद्र मेहता साहब के पक्ष में चला गया। क्यों नहीं एक बार इनको मौका दिया जाए, पब्लिकों में आया ख्याल तो मौका दिया जाए ताकि विकास हो सके। विकास तो इनके हाथों से होना है, लेकिन यही है जो अभी भूख लग गया अभी, और खाना आप दीजिएगा 4 साल के बाद, जल्द से जल्द अभी भूख मिटवाने का काम कीजिए। तो क्या लगता है आपके नवनिर्वाचित विधायक सुरेंद्र मेहता जी जो है इस क्षेत्र में विकास के संदर्भ में कार्य करेंगे? जी जी करना तो चाहिए, नहीं करेंगे तो फिर 5 साल के बाद तो फिर पब्लिक का तो अपना अलग रोल होता। आपने आज से 4 दिन पूर्व जो फेसबुक पर पोस्ट जारी किया था, उसी फेसबुक के पोस्ट पर एक कमेंट आया था कि राष्ट्रीय जनजन पार्टी के बागी व निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुमार राय जी ने कहा कि अगर सरकारी देखने के मगर काज नहीं होता तो हम अपने निजी कोष से काम कराएंगे, तो क्या इस चर्चा पर उनसे बात? देखिए अगर वर्तमान विधायक से रोड के संबंध में उनसे कुछ हो नहीं पा रहा है तो हमारे अजीत कुमार जी में ये क्षमता है, वो अपने निजी फंड से भी रोड बनवा सकते हैं। लेकिन विधायक जी क्यों नहीं बनवाएंगे? विधायक जी तो विकास के लिए ही आते हैं, और उनसे नहीं होगा तो उनसे बोलना, उनको उनका बोलना होगा कि हमसे नहीं होगा। अजीत जी में तो क्षमता है, लेकिन विधायक जी में और भी ज़्यादा क्षमता है। 17वीं विधानसभा सदस्य के रूप में हमारे नवनिर्वाचित विधायक सुरेंद्र मेहता जी ने शपथ ले ली है, तो अब उनका कार्यकाल प्रारंभ होता है, तो आप अपने नवनिर्वाचित विधायक जी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो कहेंगे हमारे माननीय विधायक सुरेंद्र मेहता जी, आपका पैर पकड़ते हैं, लेकिन इस रोड को दादूपुर घाट से गंगा सागर बांध तक फर्स्ट प्राथमिकता में लेके इस कार्य को पूर्ण करवा दें। तो ओम प्रकाश जी लगातार आप इस सड़क के लिए संघर्ष भी किए और बीटी का सहयोग भी रहा, बीटी न्यूज के माध्यम से लगातार हम दिखाते रहे हैं। आपने ये भी कहा कि वोट नहीं वोट, लेकिन फिर भी आपने जसवाड़ा की जनादेश ने सुरेंद्र मेहता का चयन किया, तो क्या आपको लगता है कि सुरेंद्र मेहता इस क्षेत्र का विकास कर पाएंगे? जी जी एकदम करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। हमें याद है चुनाव के वक्त में हमने लिखा था रोड नहीं तो वोट नहीं, तो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ फेसबुक फ्रेंड थे, रोड नहीं भी बनेगा तो भी अवधेश राय को वोट। देखिए उन लोगों को तो विकास से लेना देना था नहीं, हम भाई रोड के प्रति चिंतित हैं और आप अवधेश राय के प्रति चिंतित हैं। अभी तो सारे लोगों के विधायक सुरेंद्र मेहता जी, उनका स्वागत है और पहला काम वो प्राथमिकता में कर दें, फिर जनता उनको अपने हथेली पे उठा ले। तो क्या लगता है कि आपके नवनिर्वाचित विधायक इस सड़क के संबंध में निश्चित रूप से करेंगे, हर हाल में करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। गरीब का बच्चा है विधायक सुरेंद्र मेहता जी, शायद हमें मालूम चले और ये काम करेंगे बिल्कुल। और अजीत कुमार राय जी जिन्होंने वादा किया, अगर विधायक जी से नहीं होता है तो हमारे अजीत कुमार राय जी से संपर्क में जाएं, वो अपने निजी कोष से कर देंगे। अजीत कुमार हमारे स्वर्गीय गया बाबू के पोता हुए, रूपसवास घर है, उनमें वो क्षमता है, वो बना देंगे। केवल विधायक जी कर देंगे हमसे नहीं, अगर विधायक जी के माध्यम से नहीं होता है तो अजीत कुमार राय जी कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे, है उनमें क्षमता। वो जमींदार परिवार से, उनके लिए क्या है, 50 लाख का संपत्ति दे दिए ऐसे सार्वजनिक उपयोग के लिए, तो रोड में लगा देंगे तो क्या जाता है। तो हमारे साथ मौजूद थे दादोपुर भाग संख्या 2 के पंचायत समिति ओम प्रकाश जी, जिन्होंने अपील की और लगातार गंगा सागर मोड़ से 5 पंचायत को जोड़ने वाली सड़क के प्रति लगातार संघर्ष किए, और चुनाव के वक्त इन्होंने तो कहा सीधे कि रोड नहीं तो वोट नहीं, और लगातार संघर्ष करते हुए बछवाड़ा विधानसभा की जनादेश ने नवनिर्वाचित विधायक सुरेंद्र मेहता का चयन किया। तो देखना है कि इनके पोस्ट फेसबुक के पोस्ट के माध्यम से जो अपील की गई है और इनके फेसबुक पोस्ट पर जो अजीत कुमार राय जी जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी व निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने जो कमेंट किया, जो उन्होंने कहा,
तो देखना है कि इस बार के लगातार कई चुनावों में वादे तो तमाम हुए, वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, लेकिन इस बार वादे के साथ साथ क्षेत्र में कार्य भी प्रारंभ है, विभिन्न सड़कों का कार्य प्रारंभ है, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हुआ वो तमाम कार्य बंद हो गए। तो देखना है कि नव निर्वाचित विधायक सुरेंद्र मेहता जी तमाम कंपनियों से मिलकर और लगातार प्रेशर बनाकर क्षेत्र के जितने विभिन्न सड़क की जो दुर्दशा है उस पर ध्यान देते हैं। और ओम प्रकाश जी ने कहा कि सबसे प्रथम प्राथमिकता अगर इस सड़क पर अगर ध्यान दे दिया जाए तो यहाँ की जनता उनको हथेली पर रखेगी। तो देखना है कि क्या इस बार गंगा सागर चौक से 5 पंचायत को सड़क को जोड़ने वाली सड़क की दुर्दशा जो खराब है वह ठीक हो पाती है या नहीं, या फिर चुनाव के वक्त फिर कार्य प्रारंभ होगा। तो लगातार आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बीटी न्यूज़ बिहार। कैमरामैन सुमन कुमार के साथ दीपक कुमार राय की रिपोर्ट।